नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 10 अप्रैल 2018 की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ और यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको बता दूं, मैं करंट अफेयर्स के इससे पहले 46 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन भी स्टूडेंट ने मेरे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी पार्ट देख लीजिए, क्योंकि इन तीनों एग्जाम के लिए पिछले 3 से 6 महीने की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहता है और अच्छी वीडियो बनाने का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाटा केमिकल्स ने सिलिका का कारोबार करने वाली एलायड सिलिका का कितने करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने का निर्णय किया है? पहला ऑप्शन से आपका 160 करोड़, दूसरा ऑप्शन से आपका 123 करोड़, तीसरा ऑप्शन से आपका 150 करोड़ और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 200 करोड़। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका बी 123 करोड़। टाटा केमिकल्स ने सिलिका का कारोबार करने वाली एलाइड सिलिका का 123 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने का निर्णय लिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन डेड मामलों पर फैसला लेने के लिए मानक दिशा निर्देश यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? पहला ऑप्शन से आपका केरल, दूसरा ऑप्शन से आपका पंजाब, तीसरा ऑप्शन से आपका बिहार और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों झारखंड। दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका ए केरल। ब्रेन डेड मामलों पर फैसला लेने के लिए मानक दिशा निर्देश यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निशानेबाज मेहुली घोष ने कॉमनवेल्थ गेम्स में संयुक्त रिकॉर्ड बनाकर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? पहला ऑप्शन से आपका रजत पदक, दूसरा ऑप्शन से आपका स्वर्ण पदक, तीसरा ऑप्शन से आपका कांस्य पदक और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका ए रजत पदक। भारतीय निशानेबाज मेहुली घोष ने कॉमनवेल्थ गेम्स में संयुक्त रिकॉर्ड बनाकर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सेना द्वारा गगन शक्ति 2018 अभ्यास आयोजित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि सैन्य अभ्यास अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला ऑप्शन से आपका भारतीय नौसेना, दूसरा ऑप्शन से आपका भारतीय वायुसेना, तीसरा ऑप्शन से आपका भारतीय सेना और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका बी भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति 2018 अभ्यास आयोजित किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने कैच एंड रिलीज पॉलिसी को खत्म करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पहला ऑप्शन से आपका भारत, दूसरा ऑप्शन से आपका नेपाल, तीसरा ऑप्शन से आपका अमेरिका और लास्ट ऑप्शन दोस्तों चीन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका सी अमेरिका। अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने कैच एंड रिलीज पॉलिसी को खत्म करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने सिंगल्स मुकाबले में अपनी शानदार जीत के साथ भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला टेबल टेनिस टीम इवेंट का स्वर्ण पदक दिला दिया? पहला ऑप्शन से आपका मनिका बत्रा, दूसरा ऑप्शन से आपका मोमा दास, तीसरा ऑप्शन से आपका भावनी पटेल और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका ए मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ने सिंगल्स मुकाबलों में अपनी शानदार जीत के साथ भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला टेबल टेनिस टीम इवेंट का स्वर्ण पदक दिला दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलमोंट शूटिंग सेंटर में आयोजित पुरुषों की कितने मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा के फाइनल में जीतू रॉय ने स्वर्ण पदक जीता? पहला ऑप्शन से आपका 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन से आपका 15 मीटर, तीसरा ऑप्शन से आपका 20 मीटर और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 10 मीटर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वह आपका डी 10 मीटर। बेलमोंट शूटिंग सेंटर में आयोजित पुरुषों की 10 मीटर एयर
पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा के फाइनल में जीतू रॉय ने स्वर्ण पदक जीता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शूटर मनु भाकर ने 21वें कॉमनवेल्थ खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता? पहला ऑप्शन से आपका स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन से आपका रजत पदक, तीसरा ऑप्शन से आपका कांस्य पदक और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका ए स्वर्ण पदक। भारतीय शूटर मनु भाकर ने 21वें कॉमनवेल्थ खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला बहुउद्देशीय बंधन विकास केंद्र स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन से आपका छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन से आपका बिहार, तीसरा ऑप्शन से आपका पंजाब और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों झारखंड। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत का पहला बहुउद्देशीय बंधन विकास केंद्र स्थापित किया गया है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने मध्य पूर्व क्षेत्र के पहली बार महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा की घोषणा की है? पहला ऑप्शन से आपका भारत, दूसरा ऑप्शन से आपका नेपाल, तीसरा ऑप्शन से आपका चीन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों कतर। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो आपका डी कतर। कतर देश ने मध्य पूर्व क्षेत्र के पहली बार महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।